भोपाल में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश ने नववर्ष के अवसर पर पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मूल्य आधारित पत्रकारिता पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति केजी सुरेश विशेष तौर पर मौजूद रहे। नए साल के अवसर पर भोपाल में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के पत्रकार सम्मेलन का प्रादेशिक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से यूनियन के पत्रकार और भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। सम्मेलन में मूल्य आधारित और ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता पर परिचर्चा की गई। इस दौरान विशेष तौर पर आए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा नई जानकारियां और नए अनुभव मिलते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पत्रकारों को भी आगे आना चाहिए। पत्रकारिता को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पत्रकारिता के सामने बहुत सी चुनौतियां आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, इसलिए तो उन्होंने पत्रकारिता को चुना है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का मीडिया पर विश्वास बना रहे। फेक और भ्रम फैलाने वाले कंटेंट से दूर रहने की आवश्यकता है और इसका प्रयास भी मीडिया को ही करना पड़ेगा। मीडिया ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, कठिनाइयों के बावजूद आगे निभाती रहेगी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अनुराग उपाध्याय ने सभी आए पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। कोई भी समारोह हो तो उसमें सबसे अच्छा जो सुनने वालों को लगता है वो आभार लगता है। आप सब आए यहाँ पे, आके आपने नवीन आनंद जोशी जी का, जम की टीम का जो भार कम किया, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और दो पंक्तियाँ सुनाऊँगा, किसकी है मुझे याद नहीं है, लेकिन पत्रकारिता की बात चल रही थी। रमेश जी, सुरेश जी, पंकज जी, जितने जी हैं सब ने कहा कि जो थे दरबदर वो दीवारों के मालिक हो गए, जो थे दरबदर वो दीवारों के मालिक हो गए और मेरे सारे दरबान दरबारों के मालिक हो गए। शब्द गूंगे हो गए और लफ्ज बहरे हो गए, जितने थे मुखबिर वो अखबारों के मालिक हो गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता के सामने पहले भी बहुत चुनौतियाँ आई हैं और आगे भी आती रहेगी। यही तो, इसीलिए तो हम पत्रकारिता में हैं और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे विश्व में एक संक्रमण काल चल रहा है, हम सब इससे उभर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्वसनीयता आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि मीडिया में जो विश्वसनीयता है, मीडिया पर जो विश्वसनीयता है वो लोगों का बरकरार रहे, चाहे वो टेलीविज़न हो, प्रिंट हो या डिजिटल हो, क्योंकि आजकल फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जो है खबरें आने लग गई है जो लोगों को गुमराह कर रही है, गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। इसको दूर करने की ज़रूरत है और उसमें हमें ही प्रयास करना होगा और तब जाकर हमारी विश्वसनीयता पुनः स्थापित होगी। और मुझे विश्वास है कि हमारे पत्रकारों के अंदर वो क्षमता है कि वो पत्रकारिता पर जो विश्वास है उसको बनाए रखेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कठिनाइयां हैं, मीडिया कॉर्पोरेटाइज हो गई है, मीडिया में जो है अब मीडिया के नाम पर कई लोग आ गए हैं, मीडिया को एक धंधा बना लिया गया है, मीडिया में मुनाफा देखा जा रहा है, मीडिया का जो सेवा का जो भाव है, समर्पण का जो भाव है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा इसके बावजूद मेरा मानना है कि स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात में मीडिया ने बहुत अहम भूमिका राष्ट्र निर्माण में निभाई है और आगे भी निभाती रहेगी। ज़रूर कुछ कुछ कठिनाइयाँ, कुछ समस्याएँ ज़रूर हैं, लेकिन हम सब मिलकर जो है उसे निजात पा सकेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, नव वर्ष की आज पहला सप्ताह है, वर्किंग डे शुरू हुआ है। आज से हम लोगों ने, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप ने एक प्रदेश सम्मेलन आयोजित किया, उसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से हमारे यूनियन के सदस्यगण और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया है और इसमें हमने मूल्य आधारित पत्रकारिता और ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश साहब थे और अन्य संस्थानों के, जैसे स्वदेश न्यूज़ चैनल के श्री राम तिवारी जी, कैलाश पंत जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संचालक मंत्री हैं, वो मौजूद रहे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगणों ने भी इसमें शुभकामनाएं दी हैं और वे भी यहां पर अभी उपस्थित होने वाले हैं। तो हम लोगों ने, पत्रकारों ने अपने चिंतन मनन को और नव वर्ष के साथ शुरुआत की है और नव वर्ष की मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को, पत्रकार साथियों को जंप की ओर से शुभकामनाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।